क्षेत्र है जहां पर तीनों पार्टी का चारों पार्टी के बूथ कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहां पर जो देख रहे हैं कि आखिरकार किसकी क्या पर्ची नहीं मिली। हमारे साथ वर्तमान पार्षद साहब मौजूद है, ब्यूरो साहब मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है और पूर्व पार्षद साहब मौजूद है, दुष्टु पार्षद जी और पूरे यहाँ के नागरिक मौजूद है। जानते हैं कि आखिरकार 23 घंटा लाइट ना होने के बाद भी 11 बजने को है, कितनी क्या वोटिंग पड़ रही है हसारी वार्ड नंबर 1 के अंदर, जनता क्या कहेगी? चाचा 23 घंटा होगा लाइट नहीं आ रही, तुम्हें घरे आ रही लाइट नहीं आ रही, पर तुम कैसे निकल आया तो देखो आमने सामने कैसे निकल आया, तुम क्या कह रहे निकलिया नहीं तो निकलिया चर्च का वोटिंग हो रही जो बताओ कौन से मुद्दे को वोट दे रहा है ये हम नहीं बता सकते। अरे कौन सा मुद्दा को लेकर विकास के लक्ष्य बिना विकास के लाभ विकास के लिए दे रहे हैं विकास के लाभ दे रहा है अवध्या का क्या वो है जो बताओ तुम कैसे का वोटिंग चल रही है? भैया इस समय आप गर्मी कान वोटिंग तो बड़ी अच्छी चल रही है, सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन दो दिन से ये बिजली की समस्या बहुत हो रही है। अभी कल ही उसमें आग मतलब लग गई थी और वहाँ पे चल रहा है काम, वहाँ के लोगों का कहना है कि काम चल रहा है। जनता आ रही थी नहीं आ रही, जनता तो निकल रही है, बहुत कम संख्या में निकल रही है गर्मी के कारण। अभी देखते हैं कि बढ़ेगा वोट कितने से बढ़ेगा, दिख रहा जावर माहौल इस बार। अब जहाँ तक गठबंधन की तरफ चलो ज्यादा ज्यादा गठबंधन की गठबंधन की सरकार बनेगी, सरकार बनने जा रही है, गठबंधन की सरकार बनेगी वो डल रहा है। देखिए राष्ट्र निर्माण में वोट हो रहा है, समस्त भारत में इस समय चुनाव का माहौल है, हमारे वार्ड में भी यही स्थिति है, सब लोग नए भारत की कल्पना करते हुए वोट कर रहे हैं। क्या है कौन सी सरकार बनने की उम्मीद है? सरकार बताने का अब ये विषय नहीं है, राम राज की सरकार बन रही है। लाइट नहीं है 23 घंटा क्या कल से लाइट नहीं है, सब लोग गर्मी में परेशान है, बताइए गर्मी में कोई नहीं निकल रहा, धूप में कौन वोट देने जाएगा? जब लाइट नहीं है तो वोट देने कहाँ को जाएंगे? जब लाइट आएगी तभी वोट देंगे। हाँ जनता बिल्कुल परेशान है, लाइट लगाइए, गर्मी में जानवर प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, आज भी घर में पानी नहीं है, इस समय ये हालत है। लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन क्या है कि घर में पानी नहीं है, बिल्कुल जानवर बिल्कुल प्यासे भूखे मर रहे हैं इस समय, बिल्कुल 24 घंटे से लाइट नहीं है, आ रही जा रही है लाइट, काफी व्यवस्था खराब है यहाँ पे। वोटिंग तो 4 तारीख को क्लियर होगा, अभी कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे साथ देखो एक मजदूर आदमी बेचारे, साइकिल दिखाओ उनकी, साइकिल से आ चुके हैं, चाचा लाइट आ रही घरे का नहीं आ रही, क्या है वोट डालना है? लहर है, लहर बता सकते बता दो बता दें क्या बता दें हाँ जा जा हाँ देखो देखो ये हाथ उंगली में डाले है, बच्चा वोट डाले है नहीं आ रही जा रहे अभी जा रहे हो। कुल मिलाकर हमारे साथ वर्तमान पार्षद मौजूद सामने, पार्षद जी क्या क्या है माहौल तारीख के अंदर क्या दिख रहा है? बढ़िया वोटिंग में बहुत अच्छा रुझान दिखा रही है पब्लिक, बहुत अच्छा रुझान चल रहा है। हाँ क्योंकि सभी को मालूम है कि पावर हाउस में आग लग गई थी, बड़ी दिक्कत समस्या है, इसलिए लाइट बंद है अभी, फिर भी लोगों का जोश कम नहीं है, बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है। अब ये तो नहीं कह सकते कि किसके उपीन, लेकिन वोटिंग में रुझान बहुत अच्छा है। जी जी इस बार फिर से सरकार बनेगी, अब ये कहना अभी तो जल्दबाजी होगी, मैं भाजपा ही हूँ तो मैं तो कह रहा हूँ भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, बिल्कुल पूरी निकल कहानी रहे, अच्छी वोटिंग अच्छी अच्छी आवाज़ नहीं खूब निकल रहे हैं। हाँ बहुत मैं जब से यहीं पे हूँ 7 बजे से बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है। हाँ बहुत बढ़िया भारतीय जनता पार्टी के सभासद का कहना है कि अच्छी वोटिंग हो रही है, भैया पाल साहब का लोग बढ़िया हाल चाल है यहाँ के, तो बिल्कुल लाइट की समस्या है बहुत ज्यादा है, लाइट की व्यवस्था करे आइए, रोड दिखाइए, रोड दिखाइए पहले तो यहाँ पे रोड, हाँ भाई रोड दिखाइए यहाँ पे रोड कैसा है, अभी पानी की समस्या बहुत हो रही है, भैया शेखर कांग्रेस पार्टी का माता नेता है, शेखर जी ये बताओ लाइट नहीं है तो उससे क्या फायदा आपको होने वाला है कि नुकसान होगा? देखिए शॉर्ट सर्किट हुआ है, बिजली विभाग काम में लगा हुआ है, थोड़ी देर में निश्चित रूप से लाइट आ जाएगी। 23 घंटे होगा भाई? 23 घंटे हो गए, लेकिन अब वो भी इंसान है, काम में लगे हुए हैं, थोड़े टाइम में संभवतः लाइट आ जाएगी। आ जाएगा जनता भाजपा को नकार दी है, बदलने चाहिए। के नेता हैं, अपनी अपनी पर्ची रख रहे होंगे,
मैं इस समय तो नेता तुम बता नहीं, हम तो इस समय रामराज की कल्पना कर रहे हैं, वही पे वोट कर रहे हैं। बन तो का बना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जनता स्वीकार कर गई है गठबंधन को और लोगों का आपको रुझान दिख रहा है कि किस प्रकार से, तो निश्चित रूप से इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को पूरे भारत के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन बताओ कुल मिलाकर जाते नहीं है, हमारे साथ बहुत लोग मौजूद है, गठबंधन है ये कह रहा है, हमारे साथ मौजूद है, क्या स्थिति है भैया, किसी का वोटिंग हो रही है? गठबंधन की सरकार बनेगी कोई शक नहीं है, कारण क्या है वो तो मुद्दे हैं सब। बताओ चाचा कैसी का स्थिति? कुल मुहूर्त से मोदी सरकार बनेगा, मोदी सरकार बनेगी, कारण क्या है? उससे अच्छा नेता कोई है नहीं है भारत के लिए, भारत के लिए सरकार बनेगी मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। तुम बताओ भैया क्या कहो तुम, अरे भैया जोन सी तुम कहो यार, गठबंधन है यहाँ पर बूथ के कार्यकर्ता मौजूद है, बढ़िया गठबंधन बढ़िया चल रहा है, तो कुल मिलाकर जा स्थिति है यहाँ बराबर की टक्कर मानी जा रही, हसारी के अंदर बराबर की टक्कर मानी जा रही, और लोगबाग जो तो हकीकत है की 11 बज गए, हालांकि लोगबाग निकल रहा है वोट डालने से अभी वंचित है, लोग बाग नहीं निकल रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।